ओम शांति, ओम शांति, मुस्कुराते बोलो ओम शांति। सत्यनारायण की कथा में लिखा है, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल दियो। लेकिन साथ में एक लाइन लिखी है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विरला ही मुझे पहचान सकता है, मूड मती के लोग मुझे। यहाँ कौन बैठे हैं सब? आपको पता है आप कितने विद्वान बैठे हैं? उसकी क्लास में, उसकी सभा में वही बैठ सकता है जिसको वो चुन चुन के इकट्ठा करता है। इसलिए आज से ये बोलना ही नहीं है, नहीं तो तथास्तु हो जाएगा, समझे? तो इसलिए वो, क्योंकि सत्यनारायण की कथा मैंने सुनी है पूरी, कथा में कथा सुनने वाले की और सुनाने वाले की कथा है, वो कथा कौन सी है जिसको सुनकर ऐसा होगा, वो पूरी कथा में नहीं है, पूरी कथा में नहीं है। तो वो परमात्मा, वो सच्ची सत्य नारायण की कथा, अर्थात वो कथा, वो सत्य कथा जो सत्य पिता आकर हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा कैसे बने, दिव्य गुणों को कैसे धारण करे, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। और अब समय ज़्यादा नहीं है, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा कि हमें परमात्मा का ज्ञान मिला और हम उस पर नहीं चले। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है जो किसी न किसी माध्यम के द्वारा यहाँ मिलना हुआ, और यहाँ जो भी बैठे हैं वैसे ही यज्ञ करते हैं, वैसे उस निराकार के उपासक बैठे हैं, तो आपके लिए तो बड़ा आसान है। क्योंकि कहा जाता है भक्ति का फल क्या? भक्ति का फल ज्ञान। तो हम जब निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं तो उसके फल के स्वरूप में परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है और इस दुनिया को स्वर्णिम बनाता है। क्योंकि यह दुनिया की जब शुरुआत हुई तो दुनिया क्या थी? स्वर्णिम थी। इसीलिए कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अभी क्या कहते हैं? अभी क्या कहते हैं? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अभी भी सारा काम उसी पे सौंपा हुआ है, अभी भी गाली उसको ही देते हैं कि देख ले दुनिया की हालत क्या हो गई। वो कहता है भाई मैंने तो तुम्हें भेजा था, तुम्हें ठीक करना था, क्योंकि इस पर राज्य तो हम कर रहे हैं। तो इस दुनिया की हालत को किसने बिगाड़ा? हमने। ठीक कौन करेगा? कौन करेगा? हम में कौन? हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन ठीक करेगा, लंबा हाथ ऊपर करो। हाँ करना ही है, कोई करे ना करे, किसे करना है? मुझे करना है बस। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, परमात्मा के कार्य में मुझे सहयोग देना है तो मेरे कार्य वो अपने आप कर देगा। ये मैंने बचपन से महसूस किया है, जब बहुत छोटी थी तब से जाती थी क्लास कराने के लिए, जब मैं 7th क्लास में थी तब से मुरली सुनाने जाती थी। तो मैंने देखा है मैं उसका काम करती हूँ तो वो मेरे सारे काम पहले ही कर देता है। तो इसलिए आप उसके लिए करके देखो। और जैसे कि अंधेरा, अभी अंधेरा अच्छा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? कोशिश कर रहे हैं लाइट जलाने की, कोई मोबाइल से, कोई कैसे। ऐसे कलयुग रूपी अंधेरा किसी को पसंद नहीं है, परमात्मा आकर फिर से इसको सोजरे में बदल रहा है, इसको स्वर्ग बना रहा है। क्योंकि अब अति हो रही है, और अति के बाद क्या होता है? अंत। और अंत के बाद क्या होता है? शुरुआत। तो फिर से शुरुआत लाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ये कार्य कर रहे हैं। और जितने भी भाई बहन आप देख रहे हैं, ये कोई पेमेंट पे नहीं आते, इनको जो मिलता है वो तो यही जाने, मुझे ही पता है कि मुझे क्या मिल रहा है। जिसको जो मिलता है, पता है आपको एक सीक्रेट बताऊं, हर कोई व्यक्ति स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कोई कुछ करने को राजी। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, ये भी स्वार्थी है, ये बहन बोल रही है ना, ये भी स्वार्थी है। लेकिन ये स्वार्थ अच्छा वाला है। ये क्या स्वार्थ है कि हम जिससे भी मिले, अगर उसके जीवन में परिवर्तन आ गया तो उसका फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? आप कह रहे हैं आपको, क्यों आपको नहीं मिलेगा? जो करेगा उसको मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी त्याग भावना, जहां त्याग है वहां तपस्या है, और जहां तपस्या है वहां सेवा है। तो त्यागना क्या है? कुछ भी नहीं। क्या त्यागना है? बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और प्राप्ति क्या हो जाएगी? सुख, शांति, खुशी, आनंद और प्रेम। और जब ये चीजें हमारे अंदर आ जाएगी तो हमसे जितना सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है।
हम लोग बोलते हैं, हमारी दादी जी बोलती है कि ब्रह्मा कुमारी इज द मोस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी हम पूरे विश्व में सबसे अमीर हैं, चाहे कुछ भी नहीं है जेब में। क्यों क्यों भैया? हम लोग मानते कि हम सबसे अमीर है दुनिया में, क्यों? फुसफुस मत करो, जोर से बोलो। हाँ, माताएं वैसे तो इतना जोर से बोलती हैं, दुनिया हिला देती है, अभी बोलो ना क्यों जी। हाँ, समझ आ गया। हाँ, और हम जो आप बोल रहे हो ना आप लोगों में, हम भी चाहते हैं कि आपके लिए दुनिया बोले कि वो सुख शांति हमें आपसे मिल रही है, पक्का? हाँ, क्योंकि हम जहाँ भी जाएं हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति जैसा होता है वो दिख जाता है, उसके विचारों से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो हमें अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर मेरे साथ है तो वो दिखाई भी देगा कि हर पल लगता है कि वो इसके साथ है। उसके लिए बस एक ही काम करना है, ये मैं सबको बताती हूँ, उसके पीछे लग जाओ, छोड़ो ही नहीं, बस एक जीवन में फार्मूला अपना लो जो मैंने भी अपनाया, बहुत फायदा है। मैं तो हूँ तेरे पीछे, क्या बोलो ना, और दुनिया है मैं क्यों जाऊं किसी के पीछे, सही बात है ना। मैं तो हूं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे। और अभी इस कलयुग में तो भाड़ में जाएं सब, सब उल्टी शिक्षा देने वाले हैं। एक वो प्यारा दोस्त ऐसा है जो कभी हमें उल्टी शिक्षा नहीं देता, क्योंकि इंसान तो पता नहीं किन चीजों से भरा हुआ है, गलती उसकी नहीं है, गिरावट का टाइम चल रहा है इसलिए, और गिरावट के बाद ऊपर चढ़ेंगे वो काम परमात्मा करा रहा है, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, आप लोग रोज यज्ञ करते हैं, आज से उस यज्ञ में भगवान जी को बोलना गुस्सा स्वाहा, ठीक है, बोलो नफरत स्वाहा, ईर्ष्या स्वाहा, चिड़चिड़ापन स्वाहा, गाली गलौज स्वाहा, नशा स्वाहा, या आहा नहीं ना, बीड़ी पक्का, गुटका, शराब, शादी वाले दिन, शादी वाले दिन। हाँ देखो बाबू जी कह रहे एक दिन तो चलेगा क्योंकि झूठ तो बोलना ही नहीं है, है ना, यज्ञ की जगह पे खड़े बैठे झूठ तो बोलना नहीं है मेरे भाई। जहर एक दिन पियो या रोज पियो, मरेंगे ही सही, समझे? वो जहर दिखता है, ये जहर दिखता नहीं है। अब चॉइस आपकी है, एक बात ध्यान रख लेना, जैसा अन्न वैसा मन। उल्टा सीधा खाना खा के भगवान को याद करने बैठना वो ऐसा ही है जो बिल्ली के लिए कहावत है, बताओ कौन सी? हाँ, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली, सुबह भी गंध संध खाया, शाम को भी गंध संध खाया, सुबह बैठ गए यज्ञ में, ओम भूर भूर वसु, भगवान जी ऊपर से हंसता रहता, कहता देख मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्ख नहीं है वो, एक बात ध्यान रख लेना।